हाय गाइज, आज की वीडियो में हमारे पास आ चुका है CMF Phone 1। यहाँ पर ये फ़ोन काफ़ी डिमांड में चल रहा भी पिछले कुछ दिनों से, तो इसके वीडियो चेकआउट करेंगे। अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है ये, कि मुझे डिवाइस कैसा लगा और कैसे इसके कैमरा सैंपल्स वगैरह हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको इसके बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप इस फ़ोन में इंटरेस्टेड हो। तो अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कैसी देखने को मिलेगी। इसकी मैंने ओरिजिनल अनबॉक्सिंग डाल रखी है रील्स की फॉर्म में, शॉर्ट्स में, तो वो आप देख सकते हो, मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। कुछ इस टाइप का आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो इस बार नथिंग ने यहाँ पर अपना बॉक्स काफ़ी सिंपल रखा है, पहले पुराने फ़ोन्स की तरह जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बॉक्सेस थे। बॉक्स कंटेंट यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है टाइप से सी वाली, और चार्जर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। अब चलते हैं सिम इजेक्टर पिन की तरफ। यहाँ पर आपको सिर्फ पिन देखने को मिलती है, स्क्रू ड्राइवर इसके साथ देखने को नहीं मिलता, जो कि इसके बैक पैनल अगर आप ऑर्डर करोगे उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा, बॉक्स में यहाँ पर नहीं है। अब फ़ोन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर फ़ोन कुछ इस टाइप का लगता है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, CMF लिखा आ गया। बैक साइड चलें इसकी, तो यहाँ पर ये लेदर फिनिश है ब्लू कलर में। अब इसको यहाँ पर साइड में ऑन होने देते हैं, और इसके साथ एक आपको यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाती है, जिसका कि कोई काम नहीं है। अब फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पर आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं, सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे की तरफ थोड़े से ज़्यादा हैं, जो कि देखने में फ़ोन को थोड़ा सा चीप सी फील कराएंगे। फ्रंट से फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है, साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक पावर बटन, और नीचे की साइड आपको देखने को मिलती है सिम ट्रे, देन यहाँ पर आपका चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर की ग्रिल। लेफ्ट साइड चलें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं टॉप साइड, तो यहाँ पर एक आपको माइक दिया गया है। अब चलें बैक साइड, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है लेदर फिनिश, और डुअल कैमरा सेटअप है 50+2, और यहाँ पर आपको 5 स्क्रूज भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये इंटरचेंजेबल है, इनको हटा के आप कवर लगा सकते हो। सिम स्लॉट की बात करूँ, तो आपको डुअल सिम वाला स्लॉट देखने को मिल जाता है विद हाइब्रिड कार्ड भी इसमें आप लगा सकते हो यहाँ पर, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी करी बजट फ़ोन के हिसाब से। यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ, तो वो भी मुझे यहाँ पर ओकेश लगा, कि इसमें थोड़े बहुत डस्ट वगैरह की वार्निंग आ रही थी जब इसको सेटअप किया गया था, बाकी वैसे काम अच्छे से कर रहा है। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Nothing 2.4 देखने को मिलता है, और एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर आपको 14 देखने को मिलता है। Nothing ने प्रॉमिस करा आपको 2 साल की अपडेट्स इस फ़ोन के साथ मिलेंगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको OS इसका देखने को मिल जाता है, बाकी अपडेट वगैरह आएगी आपको। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अभी इसमें चल रहा है 1 जुलाई का, जो कि अपडेट डिवाइस को ऑन करते ही आ गया था। UI की बात करूँ, Nothing का UI काफ़ी स्मूथ मिलता है, काफ़ी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। इस तरह का आप आइकन पैक इसमें लगा सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्मूथ यहाँ पर काम करता है। स्मूथनेस फ़ोन की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें, जो कि इसको काफ़ी यूनिक बनाता है, यूनिक फैक्टर है जो कि इसका, तो डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। फ़ोन लगता है कि हाँ कोई अच्छा सा फ़ोन है, बहुत महंगा सा बैक साइड से, और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, प्लास्टिक है और वीगन लेदर में यहाँ पर उतनी ज़्यादा लेदर फील नहीं होती, बट काफ़ी अच्छी फील होती है। और स्क्रूज़ के ये कोने थोड़े से हाथों में चुभते हैं, तो थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा इसको आपको यूज़ करने में। बाकी यहाँ पर फ्रेम वगैरह प्लास्टिक का है, बट फिर भी काफ़ी सॉलिड फील होता है फ़ोन, यहाँ पर कोई हल्का फील नहीं होता। वेट यहाँ पर 197 ग्राम का है, जो कि काफ़ी अच्छा है 5000 mAh की बैटरी के बाद भी, 200 ग्राम के अंडर है ये वेट। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिस्प्ले विजिबिलिटी की तरफ, वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। 2000 nits की यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि आउटडोर में भी आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर विजिबिलिटी देती है। रिफ्रेश रेट 120Hz का देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, और फ़ोन में यहाँ पर आपको स्मूदनेस काफ़ी अच्छी फील होगी, कोई भी कॉम्पिटिशन आपको इतनी स्मूदनेस ऑफर नहीं करेगा इस प्राइस रेंज पर। अब डिस्प्ले क्वालिटी की तरफ चलें, तो यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत हार्ड होता है इस बजट के फ़ोन में आपको फाइंड करना। वैसे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, और डिस्प्ले यहाँ पर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी नोटिस करी, आजकल के फ़ोन्स 4K वीडियो को यहाँ पर प्ले नहीं कर पाते हैं, तो ये फ़ोन इजीली यहाँ पर 4K वीडियो प्ले कर देता है, कोई भी लैग मैंने नोटिस नहीं करा। यहाँ पर करते हैं ऑडियो टेस्ट, कि इसमें आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी देखने को मिल जाती है। NCS सॉन्ग मैं प्ले करता हूँ, वॉल्यूम फुल,
तो ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। एक चीज यहाँ पर आप मिस आउट करोगे कि स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, तो सिर्फ सिंगल स्पीकर इसमें नीचे की साइड आपको देखने को मिलता है। बाकी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर मैं अच्छी कहूंगा, तब भी लाउड है काफी। फोन में परफॉर्मेंस की बात करें मीडियाटेक का, यहाँ पर डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसके मैं आपको पहले एंटूटू स्कोर दिखा देता हूँ क्या स्कोर ये ऑफर करता है। तो 6.5 लाख से ऊपर का यहाँ पर स्कोर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। अच्छे यहाँ पर स्कोर्स करे हैं इस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब चेकआउट करते हैं कि यहाँ पर गीकबेंच वगैरह में कैसे स्कोर्स हैं यहाँ पर। तो पहले सीपीयू मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर रन करे, सिंगल कोर यहाँ पर 1000 और मल्टी कोर यहाँ पर 3000, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। जीपीयू में स्कोर मुझे थोड़े से कम लगे, बट फ़ोन के प्राइस को देखें तो फिर ये स्कोर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बीजीएमआई की आपको सेटिंग्स भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप स्मूथ पे एक्सट्रीम खेल सकते हो, 60 FPS का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको। इस प्राइस में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, तो कूडोज टू CMF और नथिंग टीम, आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देते हैं। अब गाइस चलते हैं कैमरा सैंपल्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स की फ़ोटोज़ ली, वहाँ पर डेप्थ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और मुझे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लगी कि मैं क्लिक करके सीधा यहाँ पर सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छी है यहाँ पर रिजल्ट्स। अब कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स की मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी, तो वहाँ पर थोड़े से मुझे कंट्रास्ट ज़्यादा देखने को मिली, बट फ़ोटो काफ़ी अच्छी मैनेजेबल है और डायरेक्ट सनलाइट की फ़ोटो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब डायनामिक रेंज चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, वो बूस्ट वाली चीज़ देख सकते हो, बट एक फ़ोटो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब ह्यूमन शॉट्स की तरफ चलते हैं, तो उसमें यहाँ पर इसने थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी है। फ़ोटो वैसे देखा जाए तो अच्छी लग रही है, बट ये नेचुरल सी नहीं लग रही। फ्रंट कैमरा यहाँ पर काफ़ी अच्छे नेचुरल से रिजल्ट देता है, स्किन टोन को थोड़ा सा चमका देता है, बट फिर भी फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। पोर्ट्रेट्स की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे निकल कर आ जाते हैं फ़ोन से, बहुत ही अच्छे आप यहाँ से गुड लुकिंग पोर्ट्रेट्स ले सकते हो इस फ़ोन से। अब वीडियो और माइक देखते हैं। हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30 FPS CMF फ़ोन 1 के यहाँ पर बैक कैमरे से। कलर्स वगैरह कैमरा यहाँ पर काफ़ी अच्छे कैप्चर कर रहा है और यहाँ पर लाइट के अपोजिट भी हम लोग चले जाते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह शो कर रहा है कैमरा। ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्फी कैमरे से CMF फ़ोन 1 के, और यहाँ पर मुझे स्किन टोन्स काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। रेजोल्यूशन यहाँ पर 1080p 30 FPS है, और थोड़ा सा वॉक करके दिखा देता हूँ कि स्टेबलाइजेशन कैसा है। बाकी कलर्स को यहाँ पर थोड़ा सा इसने बूस्ट कर रखा है। बाकी फ़ोन आपको डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है, IP54 की शायद इसमें आपको रेटिंग देखने को मिलती है, बट स्क्रूज़ वगैरह हैं तो आप इनके साथ ज़्यादा बारिश में ना भिगाएं। बैटरी की बात करूँ 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि बैकअप काफ़ी अच्छा देगी। सपोर्ट यहाँ पर 33 W की चार्जिंग को करती है, और चार्जिंग टेस्ट मैंने इसका बना रखा है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरे शॉर्ट्स में। बाकी यहाँ पर चार्जर बॉक्स में देखने को नहीं मिलता, जो कि एक कॉन है। और एक और कॉन मैं इसका बता दूं फ़ोन का, तो थोड़े से आपको स्क्रूज़ वाले एजेस थोड़े चुभते हैं और ये थोड़ी यहाँ पर डस्ट वगैरह भी पकड़ता है। अब प्रोज की बात करूँ, मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, और इंटरचेंजेबल बैक मैं इसकी जल्दी ऑर्डर करूँगा, वो भी यूज़ करके बताऊँगा कैसा है उसके साथ एक्सपीरियंस, और आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और कॉन्स के बारे में भी पता चलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है प्राइस के हिसाब से, परफॉर्मेंस और जो जो चीज़ें हैं सारी ये काफ़ी अच्छी ऑफर कर देता है। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहना। थैंक यू सो मच गाइस।